चटोरे पहुंच चुके हैं पानी पूरी के पास। वेदर बहुत औसम है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर चुकी हूँ और स्वर्ग में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जमीन कुछ नहीं दिख रही, बादल ही बादल दिख रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में आ गए, मजा आ गया। शिमला पहली बार आई हूँ मैं। चेंज हो रहा है मेरा, मैं पारुल सूट से पारुल पंडित हो रही हूँ, इसलिए यहाँ पे आए थे। और ये मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया जगन, जगन तेरे दोस्त कितनी प्यारी छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ घूम के ना मेरे को पूरी धर्मशाला की फीलिंग आ रही है, पर धर्मशाला में इतना तो नहीं घूमी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत घूमी है वो ऐसे से ही रास्ते होते थे। ये पूछ रहे हैं मैडम कुफरी तो नहीं जाना, मैंने कहा जी लोकल है हम, मेरे पापा की हवेली है पीछे। अब हम भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए थे। स्टेयर्स बहुत अच्छे हैं साइड में चलने के लिए। क्यों कूदूं, वैसे ही मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मर चुकी हूँ और स्वर्ग में आ चुकी हूँ। बादल ही बादल है, हाँ देखो बादल ही बादल है, जमीन नाम की चीज ही नहीं है, बादल ही बादल, बादल ही बादल। पहले लग रहा था इस रास्ते से आए थे, लेकिन अब जगन पंडित जी बोल रहे हैं कि जी ये रास्ता गलत है, हम लोग ऊपर से आए थे, तो अब हम ऊपर वाला रास्ता पकड़ेंगे। व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, हम व्लॉगर्स हैं, नई जनरेशन कर क्या रही है, व्लॉगिंग कर रही है। खड़ी चढ़ाई है, सोचो मैं कैसे चढ़ी होंगी, ये पूरा नीचे से ऊपर तक मैं चढ़ के आई हूँ इन सीढ़ियों से, और अब जितना आराम है उतना पहले नहीं था। और मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा है कि अगर फ़ोन गिरा तो मुझे मिलेगा नहीं, फिर भी दोस्तों आपके लिए ये जोखिम भरा स्टंट मैं कर रही हूँ। मेरा 1.5 लाख का फ़ोन इस पर दाव पे लगा हुआ है, जो मेरे पति ने खून पसीने की कमाई से मेहनत कर करके खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया और बीवी की जिद पे लेके दे दिया। तो अगर ये नीचे जाता है तो फिर मेरा पति डायरेक्ट नीचे जाएगा और नीचे से फिर ऊपर जाएगा। ये जो जोखिम भरा स्टंट है दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि मैं इससे भी अच्छा महंगा फ़ोन खरीद सकूं और मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे जोखिम भरे स्टंट करके दिखाऊं।
अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, मेरे 1 मिलियन करवाते हैं जल्दी से जल्दी, तो अगली बार मैं आपको कश्मीर में मिलूंगी। 100 के तो कर ले। हम बड़ा सोचते हैं, हम पहाड़ी लोग होते हैं ना, हम ऊंचा सोचते हैं, पर छोटी मोटी सोच नहीं रखते हम 100 के। कोई बात नहीं, अगर मेरे कम है तो क्या हो गया, कभी तो होंगे। देखिए दोस्तों, बाहर से लोग आते हैं और मेरे हिमाचल को गंदा करके जाते हैं, और देखने आते हैं वो यहाँ पे ब्यूटी। भाई जब तुम ब्यूटी का बीस्ट बना दोगे तो यहाँ क्या करने आओगे, पूरा सत्यानाश करके रख दिया, इतना गंद फैलाया हुआ है। चलिए इधर हमारी गाड़ी है, अब मुझे ये रास्ता पार करना है। ये एक और जोखिम भरा स्टंट है दोस्तों, क्योंकि चलता फिरता रोड है, इसमें नॉनस्टॉप गाड़ियां आ जा रही हैं। सिर्फ आपके लिए मैं ये करने जा रही हूँ, ताकि आप मेरे को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे फटाफट 1 मिलियन करवाएं। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपके लिए, और वो रही हमारी लाल गाड़ी, कहीं दिख रही होगी, मुझे तो दिख नहीं रही अभी तक। अगर आपको दिख रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको दिख गई है। जगन, मैं यहीं वेट करूं? चलिए, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, पति परमेश्वर खुद गाड़ी ऊपर लेके आएंगे। अगर ढंग से नहीं चला पाए तो नीचे खाई भी है। आपको दिख रहे होंगे वो लाल कलर के गोल मटोल से, अब वो गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। हम एक प्रोसेस को ख़त्म करके ठूसने के प्रोसेस में जाएंगे, जिसमें हम एक अच्छी सी जगह देख के वहाँ बैठ के हम ठूसेंगे, क्योंकि हम सुबह से भूखे आए हैं। देखिए आप मेरे ब्लॉग्स में ये गंद फंद मत बकिए, आपने जो बोलना है वो आप अपने अंदर निगल लीजिए, और यहाँ लोगों को मेरे को गंद नहीं सुनाना है। मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रोज देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और चाहते हैं कि मेरे 1 मिलियन हो जाएं जल्दी से जल्दी। चाहते हैं कि आप कम से कम 10,000 तक पहुंचे और अपना लोगों का पीछा छोड़े। पहाड़ी लोग हैं, इतने ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, ऊंची सोच रखते हैं, 10,000 तो कल हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, अब मैंने कमिटमेंट कर दी कल तक 10,000 हो जाने की, तो मेरे साथ दीजिएगा, मेरे ब्लॉग्स को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये देखिए स्वर्ग लोक की आपको मैं सैर कराती हूँ, मेरे बहुत अच्छे कर्म है। माल रोड तो हम गए नहीं, वो कहाँ होता है? वही तो था। माल रोड ऐसा नहीं है, वहाँ एक चर्च बना हुआ है, मैंने देखा नहीं है, मुझे बता रहा है। चल मारो माल, माल माल नहीं पूछ यार, कहीं तो देख ना, गूगल पे डाल है, अफसोस तो करता है। तीसरा कुत्ता हमारे घर में, मेरी अहमियत खत्म कर दी इसने। टाइगर बेचारा आजकल डिप्रेशन में है कि भाई कि मैं वो प्यार नहीं दे पाया अपने माँ बाप को, तभी ये लोग दो और कुत्ते ले गए। ऐसे जाएगी सुसु और गूं में लिबड़ा बॉल बना के मार। जो ट्विटर है ना, छोटा बेबी जो है हमारे घर में, उसकी बहुत बुरी हालत करते हैं ये लोग, उसकी या तो उसके ऊपर सुसु कर देते हैं या उसको फुटबॉल बना के खेलते हैं वो लोग। अभी भी कैमरे में मैं देख रही हूँ तो उसका इधर से उधर ही नाचा हुआ बेचारा वो, और टाइगर तो डिप्रेशन में जा चुका है कि कुत्ते पे कुत्ता लेके आ रहे हैं ये लोग हमें। बहुत कॉस्टली है, कोई बात नहीं।
ये देखो घर पे घर, घर पे घर। कितनी मेहनत की होगी बेचारे, और कॉस्टली भी लगे होंगे यार यहाँ पे घर जो बने हैं, ये कॉस्टली भी बने होंगे। ग्रीन एप्पल है भैया? कितने, कैसे केजी? 100 रुपीज का ग्रीन। ये नहीं है? नहीं, ये नहीं। 100 रुपए के। थैंक यू भैया। फोन कर रहा है ना, इन लोगों को मैं ठेंगा दिखाऊं। ये हम जाए, ये तुम लोग अभी भीड़ देखोगे, खूब सारा रश है आगे। ये हम जाए, ये हम जल्दी जाए, ये। मेरे पति को यही समय मिला फोटो शूट करवाने का, जहाँ ऊपर मैं शिमला में बोल रही थी तो उधर नहीं था इस आदमी के पास टाइम। तो अब हम यहाँ फोटो शूट कराएंगे, क्योंकि अपलोड ही नहीं हुई कोई फोटो, तो कैसे पता लगेगा मैं शिमला गई थी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। धीरे धीरे बाहर निकलते हुए, अरे वाह, जन्नत आ गए हैं, जन्नत देख रहे हैं, पहाड़ियाँ। वो देखिए पंडित जी 150 किलो। ये पंडित आयन 80 किलो।